मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पलावा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे इस बात की क्षमा चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा फोरकास्ट गलत हुआ था, यानी कि मैंने बताया था कि जैसलमेर, बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हुई है। हालांकि गलती सही, लेकिन उधर के जो भी हमारे भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात रही कि जो बारिश है वो बहुत अच्छी हुई। बाड़मेर में तो बहुत ही जमाजम बारिश हुई है कल, जैसलमेर और जोधपुर में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हुई हैं। और कभी कभी फोरकास्ट गलत हो जाता है, क्योंकि जो ऐसा लग रहा था कि जो ट्रफ रेखा है वो इस जगह आ रही थी और एक ट्रफ रेखा ऊपर से आ रही थी, यहाँ पर कोई भी विंड कंट्रोल जोन ऐसा नहीं था जो ये बादल बना पाए। एक ट्रफ रेखा थी जो दक्षिणी गुजरात से लेकर के केरल तक आ रही थी, लेकिन 500 मिलीवार के आसपास, यानी कि ये 5.4 किलोमीटर जो अबव मीन सी लेवल यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना। तो आप ये देखिए, कल के बादल हैं, ये कल रात के बादल हैं, तो ये शाम और रात से हैं, तो गुजरात के कुछ भागों में और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। तो इस तरह की कभी कभी फोरकास्ट में एरर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है और ये जो मतलब इतनी एक्यूरेसी 100% नहीं हो पाती है कभी कभी, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक अनुमान आपको हम दे पाए। तो अब शुरुआत करते हैं कि किस तरह से रहेगा मौसम आगे। तो उत्तर भारत से ही करते हैं, तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और ये 15 तारीख से पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ा देगा और ये 15 से लेकर के कम 20 तारीख के बीच में या 16 से 20 के बीच में पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी। यानी कि काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों में अच्छी बारिश दे सकता है। इसके असर से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ये जो है ये थोड़ा सा आगे आएगा, यानी पंजाब के ऊपर आएगा, ये ट्रफ रेखा भी नीचे आएगी। तो 15 तारीख से ही पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। दिल्ली NCR और साउथ हरियाणा, साउथ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 15 तारीख को मेघ गर्जना या एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो, लेकिन 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है, यानी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, हरियाणा के कई इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली NCR में। और ये जो प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी, यानी कि मानसून नहीं आएगा, प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी, और हम कह सकते हैं यानी पंजाब तो पूरा कवर हो जाएगा और उसी तरह से चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, ये जो सारे इलाके हैं, और रोहतक, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और झज्जर, ये सारे इलाके में बारिश देखने को मिलेगी। और उसी तरह से ये जो नजीबाबाद हो गया, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये जो इलाके हैं, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देंगी और दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा के कई भागों में, उत्तरी राजस्थान में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ये 16 से 20 तारीख के बीच में रहेंगी। और बाकी इलाकों में, यानी कि अब ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं जो पश्चिमी राजस्थान में हैं, ये एक बार फिर थम जाएंगी, यानी कि लगातार बारिश नहीं होगी। प्री मानसून गतिविधियाँ थी, मानसून आने में यहाँ पर देर है, क्योंकि मानसून सबसे आखिर में ही जैसलमेर और इस इलाके में पहुँचता है। लेकिन ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं और उसी तरह से गुजरात के मध्य और जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रह सकती हैं। और अब क्या होगा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मानसून अब बहुत ही जल्दी ये जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहाँ पर पहुँच रहा है, अब कह सकते हैं कि लगभग पहुँचने वाला है। और बाकी जो महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके कवर हो जाएंगे, यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके कवर होने वाले हैं और मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। पूर्वी भारत की अगर आप बात करें तो अभी बिहार तक तो मानसून पहुँच चुका है। अगर मानसून में आपको दिखाऊँ तो मानसून इस तरह से है, ये 13 जून का है, 13 जून की ये लाइन है, इस तरह से आ रही है और ये यहाँ जा रही है। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ये आगे की है, यानी कि आज की या आज या कल में मानसून ये यानी गुजरात के कुछ और भागों को, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के ज़्यादातर इलाकों को कवर करता हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस तरह से ये लाइन जा सकती है आज या कल में।
यानी कि मानसून इतना आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद ये जो अगले दो दिनों में ये बिहार और झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को कवर कर जाएगा, यानी कि अब मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि असम और मेघालय में भारी से अति भारी बारिश यानी 200-250 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और हो सकता है कि असम के कई इलाकों में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, यानी स्थिति गंभीर होने की चांसेस लग रहे हैं। ये जो बारिश है आज कल से शुरू हो जाएगी और ये 17-18 तारीख तक मूसलाधार बारिश इस इलाके में रह सकती है, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और अगर दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं तो दक्षिण भारत में मानसून अभी भी कमजोर बना हुआ है, लेकिन अब क्या होगा कि जो दो दिनों के बाद ओडिशा के साथ साथ ये जो तटीय आंध्र प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतियाँ बढ़ जाएंगी, तमिलनाडु के अंदर इलाकों में हल्की बारिश होगी, केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और ये कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं इस इलाके में भी बारिश की गतियाँ थोड़ी सी कम ही देखने को मिलेंगी। यानी मुंबई और उसके आसपास जो मानसून एक बार कमजोर हो चुका है, लेकिन 18 या 19 तारीख से मानसून की गतिविधियाँ मुंबई और जो तटीय महाराष्ट्र है यानी कोस्टल महाराष्ट्र है यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने वाली है, यानी कि थोड़े दिनों की ये जो कमी है उसके बाद से फिर से मानसून यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तेलंगाना के भी कई भागों में मानसून की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।